अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आज़म मलिक और आप देख रहे हैं आज़म मलिक यूट्यूब चैनल। तो आज किस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ नोकिया 7 प्लस की प्राइस और उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साथ में दीगर बेल आइकन को दोबारा ना भूलिए लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बिना टाइम जाए कि वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें स्नैपड्रैगन 660 का यूज़ किया गया है, जीपीयू इसका एंड्रीनो 512 का, सीपीयू इसका ऑक्टाकोर पर बिल्ट किया गया है। अब इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले के बारे में बात कर लीजिए तो इसमें आईपीएस एलसीडी कैप्चर टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मोबाइल फोन डिस्प्ले के साइज़ के बारे में बात कर लीजिए तो वह 6 इंचज का, रेजोल्यूशन इसकी 1080x2160 पिक्सल की, प्रोटेक्शन इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की दी गई है। बिल्ट इन मेमोरी के बारे में बात कर लीजिए तो इस मोबाइल फोन में बिल्ट इन मेमोरी जो है वो है 64 GB, साथ में आपको 4 GB रैम देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको कार्ड डालने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि 256 GB एक्सपोर्ट करता है और ये कार्ड आपकी सिम 2 की स्लॉट यूज़ करेगा। अब इस मोबाइल फोन के कैमराज के बारे में बात कर लीजिए तो उसके बैक पे डुअल कैमरा सेटअप है जिनमें से एक 12 MP का है जिसका वर्जन 1.75 है और दूसरा भी 12 MP का है जिसका वर्जन 2.6 है। फ्रंट कैमरा के बारे में बात कर लीजिए तो वह 16 MP का है जिसका वर्जन 2.0 है। वीडियो आपकी 1080p रिकॉर्ड होगी फ्रंट कैमरा से भी। अब इस मोबाइल फोन के सेंसर के बारे में बात कर लीजिए तो इसमें एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पस, फिंगरप्रिंट, गायरो अप्रोक्सीमेट, ये सारे सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इस मोबाइल फोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात कर लीजिए तो इसमें 3800 mAh की बैटरी है जो कि नॉन रिमूवेबल है और ये आपका एक दिन का बैकअप प्रोवाइड कर देगी। अब इस मोबाइल फोन की प्राइस के बारे में बात कर लीजिए तो वो है 39,999 रुपीज़, यानी कि 40,000। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।